ಇಲ್ರಿ ವರ್ಣಯೋರ ಮಿದ ಸಾವರ್ಣ್ಯಂ ವಾಚ್ಯ ವಾರ್ತಿಕ್ ರೀ ಅವ್ರು ಇಲ್ರಿ ಇಂದೋ ವರ್ಣಂಗ ಪರಸ್ಪರ ಸವರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಗ ಸ್ಥಾನ ಭೇದ ಹೋನೆ ಪರವಿ ಸವರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಲೇ ಟೀಕಾ ಪೂರಾ ಕರೋ ತವಾಗೆ ಪಡೆಂಗೆ ರೀಲ್ರಿ ವರ್ಣಯೋರ್ ಮೂರ್ಧ ದಂತಾತ್ಮಕ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಕತ್ವಾತ್ ಸವರ್ಣ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತಾಯಾಮ್ ರಿಕಾರಲ್ ರಿಕಾರಯೋ ಸವರ್ಣ ವಿಧಿ ಇತಿ ಏ ವಾರ್ತಿಕ್ತ ವಾಸ್ತವ ರಿಕಾರಲ್ ರಿಕಾರಯೋ ಸವರ್ಣ ವಿಧಿ ಇಸ್ ಇತಿ ತದ್ ವಿಧಾಯಕಂ ವಾರ್ತಿಕಂ ಅರ್ಥತ ಸಂಗ್ರಹ್ಯ ಉಸ್ಗು ಅರ್ಥತ ಸಂಗ್ರಹ ಕರ್ಕೆ ಎಂಬೂಲ್ ಮೇನು ನಿಸ್ತರಿಸ ಪಾಠ ಕರ್ದೆ ಪಠತಿ ರಿಲ್ ರಿ ವರ್ಣಯೋರ್ ಮಿತ ಸವರ್ಣ್ಯಂ ವಾಚ್ಯ ಅಸಲಿ ವಾರ್ತಿಕ ಸ್ವರೂಪಿತ ರೈತ ರಿಕಾರಲ್ ರಿಕಾರಯೋ ಸವರ್ಣ ವಿಧಿಯೇ ಏ ವಾರ್ತಿಕ ಅಸಲಿ ರೂಪ वो पद स्वरूप उसका अर्थ लोग पाठ है पाठ और अर्थ उसी को अर्थ संग्रह किया अब अर्थ से कैसे संग्रह कर दिया इन्होंने ऐसे कैसे बना दिया रिलरी वर्ण यो ये क्या समास हुआ यहां पर ये कैसे हो गया सारा काम तो सुनो आच आच तिरलो ये जो इन्होंने प्रक्रिया ली है ये प्रौढ़ मंडल के आधार पर लिया हुआ है बाल मंडल में जो दिखा रहे हैं इन्हें आनंद गिरिधर बोलेंगे मनोरमा में ऐसे समास किया गया आच आच तिरलव ये आच आच क्या चीज होती है आ क्या है री के प्रथमा का एक वचन का रूप है री कर्त क्या बनेगा जैसे कर्त्री इसका क्या बने कर्ता री का क्या हो गया अंत में आ बन जाता है क्या अनंगाद्यादेश हो जाएगा ना गुणों का सब कार्य हो करके वो लोपादि हो के हाँ कर्ता कर्ता रहो कर्ता ये रूप बनता है इसे यहां रूप क्या बनेगा आ आरव नहीं अरव आरव अरह गुण होता है अरम अरव रीन रियाणों का रा कर्त्रा जैसे बनती है रा रिभ्याम रिभी रे रिभ्याम रिभ्या उह रिभ्याम रिभ्या ऋतवत्व होगा ना उह रिभ्याम रिभ्या उह वो हो कर्त्री नाम है ना री नाम बनेगा उह रोह री नाम गुण होगा अरी ऋतोंगी सर गुण होगा अरी सप्तमी में रोह ऋषु इसे कह रहे स्वयं देखो री शब्द से और री शब्द का वैसे ही रूप बनेगा है ना आ अलो वाला इतना ही चलेगा इतना ही फर्क होगा वहां पर रह के जब लो होगी इसे दोनों का री शब्द से री शब्द से च आयति प्रथमिक वचनम तो क्या बचा इसलिए री आ आचा आचा समास किया विग्रह क्या होगा री सु री सु सुसुलोप हो गया रील री पद बच गया ये दो हैं ये बताने के लिए द्विवचन लाया आपने रील री धन औ हो गया ये बोल रील री औ इति स्थिते ऋकारस्य ऋतोंगी सन्नाम सनिति गुण अकार हो जाएगा अल उरंड्र प्रति लपरत्वम हो गया तो लपर हो गया वो अल बचा अब री अल औ है री अल औ री को क्या हो जाएगा यण वही लिखा रिकार सियणादेश रेफा तपन गया रलौ ये तो हो गया ना रूप रलौ हो गया री को यण के र बना अल है रल औ है रलौ आगे विपत्ति रलौ चौ वर्णौ इति रील री वर्णौ क्योंकि आप क्या कर गए अब रलौ चतौ वर्णौ जो इसके जो विग्रह वाक्य लिखोगे लौकिक विग्रह वाक्य लिखोगे ना कैसे लिखोगे उसको रिलरी औ रिलरी औ धन वर्णौ वर्ण औ रिलरी औ धन वर्ण औ ये लिखना पड़ेगा औ औलुक हो जाएगा रिलरी वर्ण बना तयो हो रिलरी वर्ण यो हो ये समास परस्परम सावर्ण्यम सवर्णत्व वक्तव्यम सवर्णत्व कहना चाहिए ये वार्तिक अर्थ हो जाएगा तुल्या सूत्रेण तद अलाभात क्योंकि तुल्या सूत्र के द्वारा यह लाभ नहीं हो रहा था कि स्थान में भेद है एक मूर्धा है दूसरा दंत है तुल्या सूत्रेण तद अलाभात इति सूत्रकार शिक्षक है इस तरह से वार्तिककार ने सूत्रकार को शिक्षित कर रहे हैं आपने कमी कर दी है सूत्रों में एक कमी को मैं पूरा कर रहा
ज्ञान दिला रहे, याद दिला रहे। इसलिए वार्तिक लक्षण क्या है, नीचे एक नंबर टिप्पण में, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथं वार्तिकं प्राहुर वार्तिक ज्ञावे चक्षणाः। उक्त पाणिनि ने जो कहा है उसमें कोई संशय हो उसे भी दूर करने के लिए उन्होंने वार्तिक बनाई, कहीं पर कहीं अनुक्त बात को बताने के लिए कही और कहीं दुरुक्त को बताने के लिए कही, वर्तमान माला अनुक्त के लिए नहीं कहा गया उनके द्वारा वो बताने के लिए, कहीं उक्त को ही बता रहे हैं स्पष्टीकरण करने के लिए, कहीं अनुक्त को बता रहे हैं पूरा करने के लिए, कहीं दुरुक्त को बता रहे हैं स्पष्ट करने के लिए। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता माने विचार, जहां यत्र जिन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया गया है प्रवर्तते तम ग्रंथम, ऐसे जो पंक्ता हुए पंक्ति से युक्त जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को वार्तिकों के बारे में जानने वाले एक विद्वान पुरुष लोग वार्तिक ग्रंथ करके कहा करते हैं। पाराशर उपपुराण का है ये श्लोक, नीचे टीका में देखिए, रिलरी वर्ण और रित्यका इति प्रकृति भाव, यह कहते हैं वैसे जो उन्होंने समास किया ना ऊपर में प्रौढ़ मनोप्रकार के अनुसार वो समास नहीं मानते, ये कहते सीधे सीधे लो रीचा रीच रील री सीधा बन गया, ऐसे बन गया ऐसे कहते रीसु रीसु सुसुलोप कर दो रील री पर में रहेगा, आप यण हो जाएगा गुण हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा, क्यों रित्य का सूत्र है, री से पर में आख है ना, और रित को क्या हो गया प्रकृति संज्ञा प्रकृति हो जाएगा, प्रकृति हो गया तो क्या हो गया रिप्रकृति हो गया, अभी अन कैसे करोगे कुछ भी नहीं कर सकते, वहां न गुण होगा न यण होगा न कुछ नहीं होना, खत्म रिल रही रह गया इसलिए वैसे के वैसे। और वर्ण पर में वर्ण पर रहते हो कोई समास कुछ होना नहीं और काम रिलरी वर्ण सीधा बन गया, रित्य गई थी प्रकृति भाव विग्रहस्तु से विग्रह वाक्य कैसे करूंगा फिर आच री वर्णश्च ऐसा कर दो आच री वर्णश्च इति, तो री सु री वर्ण सु री सु री वर्ण सु ऐसे कर सुसुलोप हो गया री को रित्य प्रकृति हो गया रिल री वर्ण बन गया, उसके षष्ठ का द्वेषण कर दो रिल री वर्ण ही हो, इतनी लफड़ा उन्होंने करी लंबी चौड़ी समाज झंझट कुछ नहीं झंझट है देखो आसान, लेकिन उनकी भी इज्जत रखते हुए कह रहे हैं विग्रह तो आचल री वर्ण रिल रीति व तय रीति एक कुछ लोगों के मत है बिल्कुल सही मत है, लेकिन के कह दिया क्योंकि डंडा पड़ा था ना इसलिए लिखना पड़ा, मनोरमायान तो आच आचरण तौ चित्तो वर्ण इत्यादि स्थित, बस इस बार तो विचार हो गया वापस मूल में लौटिए, अकार हकार और इकार सकार और ऋकार शकार और ऋकार सकार मित सवर्णीय प्राप्त, क्योंकि इनका स्थान भी समान है प्रयत्न भी समान है, क्योंकि आपने चार ही प्रयत्न माना ना यहाँ पे पांच नहीं मानते हो, इसलिए जो शल प्रत्यार का जो प्रयत्न पहले होता था ईश्वर विवृत अलग थी, इसका विवृत अलग था विवृत ईश्वर विवृत अब जब एक हो गया एक ही प्रयत्न ले लिया, अच्छों का भी वही आभ्यंतर प्रयत्न हो गया और शल का भी वही आभ्यंतर प्रयत्न हो गया, प्रयत्न समान है और स्थान भी समान है, अको विसर्जन कंठ अका विस्थान कंठे अका विस्थान कंठे, कंठ समान प्रयत्न समान पर स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा, और स्वर्ण संज्ञा करना इष्ट नहीं है कि स्वर्ण संज्ञा करोगे बहुत सारा रूप बिगड़ जाएगा कई प्रयोग बिगड़ेंगे, इसे क्या करें स्वर्ण से निषेध के लिए सूत्र बना दिया पाणिनि ने, इसे पाणिनि के अनुसार चार ही प्रयत्न उचित है, यदि सूत्र जरूरत नहीं ना जलो जो सूत्र बनाया पाणिनि ने अच्छा और हलों का परसर स्वर्ण संज्ञा निषेध कर दिया, सूत्र बनाए इसलिए अच्छा और हल्के पीछे स्वर्ण संज्ञा प्राप्त है तब मैं निषेध करोगे प्राप्त हो सत्या निषेध है नियम है, अप्राप्त का निषेध भी होता है प्राप्त निषेध भी होता है अप्राप्त निषेध भी होता है, मीमांसा दर्शन में दोनों प्रकार के निषेध वर्णन किया है, अप्राप्त निषेध कैसे संभावना को लेकर के ऐसा भी हो सकता है तो पहले ही उसको जो रोक दो, लेकिन यहां तो व्याकरण में अप्राप्त निषेध कहीं नहीं है प्राप्त निषेध ही होते हैं हमेशा, इसे इनका नियम बना दिया उन्होंने प्राप्त हो सत्या निषेध सामान्य नियम, तो इसलिए कहते हैं कि वे देखो अकार हकारों के बीच में इकार और शकार का बीच में इकार और
मूर्धन्य षकार लकार और दंत षकार के बीच में परसों प्राप्त था, पर नाज्जलो, नाज्जलो में भी न अभे आज जलो एक पद है, दो पद इस प्रकार का हो गया। आज जलो प्रथमा का द्विवचन, आज जलो में भी जो अच्छा है वहां उसमें भी एक आकार छिपा पड़ा है। न पंचल कैसे करोगे, न अज्जलो नहीं करना, अज्जलो नहीं करना, किंतु न आज जलो करना, कि दोनों देशों में नाई रूप बनेगा ना, ना जलो ही बनेगा, चाहे रस रहे चाहे दीर्घ रहे, देखने को ना जलो ही रहेगा। इसलिए बोलना पड़ रहा भाष्यकार को, या बच्चे जब करोगे अज्जलो मत करो, आज जलो करो। कहते आज क्या चीज है, तो कहते आज आज दीर्घों दीर्घ आकार का भी हलों के साथ स्वर्ण संज्ञा नहीं होगा, और अच का भी स्वर्ण संज्ञा हलों के साथ नहीं होगा। ये क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब ये सूत्र प्रवृत्त हुआ है तब तक अनुदित स्वर्ण प्रत्यय भी पैदा नहीं, वाया ही नहीं, कि अनुदित कहेगा ना अच कहने से 18 पकड़ो। लेकिन जब तक स्वर्ण संज्ञा ही तय नहीं हुआ अभी तक, किनका किनके साथ होता नहीं होता है, तो वो ग्रहण तो नहीं कराएगा ना। पहले आप तय तो करो स्वर्ण संज्ञाओं का, तय कैसे होगा, केवल विधि से नहीं, निषेध के साथ जोड़ कर। ये जिनको निषेध करेगा उन्हें छोड़ के बाकी जो जिनकी स्वर्ण संज्ञा हुई है उनको ही ग्रहण शास्त्र बोलेगा, ऐसे इतना इतना ऐसे इतना ऐसे इतना बोध होगा करके। इसलिए जब ये सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, कौन नाझलो सूत्र, उस स्थिति में अनुदित स्वर्णता का भी नहीं आया है, कार्य नहीं किया उसने, इसीलिए ये अच प्रत्यार से दीर्घ पकड़ में नहीं आ रहा। ये अच से किसको को पकड़ेंगे, आयु रिलरी जो वर्ण समावना में उतनी ही पकड़ में आई, उतनी कई देर हलों के साथ स्वर्ण संज्ञा निषेध करते हैं और दीर्घ का निषेध नहीं करते, फिर समस्या, फिर कई प्रयोग बिगड़ेंगे। काश्यपस्य जैसे हो गया, काश्यपस्य कश्यप है ना, काश्यप दीर्घ का अश्यप है सूत्र है ना, तो ऐसे कई रूप बनेंगे जहां पर समस्या आएगी आपको, वह ना आवे इसलिए आ को ग्रहण करना जरूरी है। इसे वृत्तिकार रख रहे, देखो आकार सहित अच इति आच, आकार सहित अच इति आच, आकार सहित होकर असहित आच कहोगे, सहित शब्द कहां गायब हो गया समाज का, कदे शाक पार्थिव के गण में ले लो, जैसे वहां शाक प्रिय प्रिय शब्द का लोप होता है, वैसे यहां पर सहित शब्द का लोप हो गया, आच बच गया। सच हल चैती ये तो मित सवर्ण नास्ता, इनका प्रसवर्ण संज्ञा नहीं होगा। तेना दधि इत्यस्य हरति, दधि हरति, दधि शीतलम, दधि षष्ठम, दधि सांद्रम इत्येतेषु परेषु यणादिकं न स्यात्, जहां जो कार्य प्राप्त है यणादि वह नहीं होगा। अन्यथा दीर्घादिनम एव हकारादिनम अपि ग्रहणत शास्त्र बलात् अच्तम स्यात्, नहीं तो क्या होगा, ये सूत्र ना होता, अच कहने से ग्रहण शास्त्र जैसे दीर्घों को ग्रहण करा देता है, वैसे इन हलो ह वगैरह को भी ग्रहण करा देता, क्योंकि भी वर्ष संज्ञा हो जाती है। अन्यथा यदि ये सूत्र ना होता तो दीर्घादियों को जैसे ग्रहण शास्त्र ग्रहण कराता है, इधर हकारादियों को भी ग्रहण शास्त्र करा देगा, अकार का हकार के ग्रहण संज्ञा करा देगा, ये दिक्कत होती, इसलिए सूत्र बनाया। तब पूछे ग्रहण शास्त्र किसको कहते हैं जी, कौन है वो, सूत्र बताइए, तो आगे शुरू होगा तथा ही से ग्रहण शास्त्र। पहले यहां तक टीका देगी, अकार हकार उभयो कंठस्थान विवृत प्रयत्न साम्यात सावर्ण्यम प्राप्त, दोनों का कंठस्थ रूप स्थान सादृश्यता है और विवृत रूप प्रयत्न सादृश्यता है, क्यों अकार से कवर गेण तो न सावर्ण्य प्रसक्ति ही, आकार का कवर के साथ क्यों नहीं बोला आपने, वहां नहीं हो सकता, क्यों वहां प्रयत्न भिन्न हो जाता है, कंठस्थान साम्य सत्य भी विवृत स्पृष्ट प्रयत्न, कंठस्थान भले समान होगा लेकिन वह विवृत और स्पृष्ट प्रयत्नों को लेकर भेद है। विसर्जनीय से तू अकूह विसर्जिया नाम कंठ
को नहीं हुआ, चलो प्रयत्न वेद है, विसर्ग को क्यों ने आप छोड़ दिया, ककार बोलना चाहिए ना आकार का विसर्ग के साथ में स्वर्ण संज्ञा होता है, ये शंका क्यों उठाया आपने। कहते विसर्जनीय से तो अकारो परिसरसुच पाठ से उपसंख्यातत्व निवृत्त विवृतत्व अपी तेन आकार से न स्वर्ण संज्ञा, क्योंकि विसर्ग को हमेशा कहा लिया गया अकार के बाद अयून ड्रिक में अ के बाद विसर्ग, उसके बाद ही अयून अयून हम लोग पाठ करते हैं ना, भाषाकार निर्णय दिया विसर्गों को अच्छे में लेना है जरूरी है, अच्छे में लेने में भी ये भी सतर करना इन में नहीं लेना, इन में आएगा तो फिर वो आदेश प्रत्यय ना इत्यादि सूत्र लगते सत्व इन इन को इन और कवर से परमे रहने वाले सकारों को मनुष्यकार करता है, ये के बाद विसर्ग रख दोगे तो उस विसर्ग भी क्या होगी इन में आ जाएगा और उससे परमे सुख को भी सत्व होने लग जाएगा वो ना हो वे, इसलिए भाषा का निर्णय दिया विसर्ग को हमें अच्छे में लेना है और उसको रखना कहा है विसर्ग को अ के बाद ई से पाले अहयुण अहयुण वास्तव में है, ये भाषा का निर्णय दिया है वही उन्होंने बताया अकारोपरी, और दूसरा जगह कहा रखा विसर्ग को सर प्रत्यार में भी रखा सर सूच अकारोपरी सर सूच पाठस्य पाठस्य ने विसर्ग विसर्ग को पाठ करके स्वीकार किया है उपसंख्या तत्वेन, इसीलिए उसकी भी विवृत संज्ञा हो गई प्रयत्न तो प्रयत्न विवृत हो गया, स्थान भी बराबर कंठ इन दोनों के बीच श्रवण संज्ञा की आशंका क्यों नहीं करी आपने, तेना अकार से न श्रवण संज्ञा विवृत विवृत होने पर भी उसका मान विसर्ग का अकार के साथ में श्रवण संज्ञा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कहते प्रयोजना भाव कोई प्रयोजन नहीं दिखता कहीं प्रक्रिया में, कहीं भी प्रक्रिया में श्रवण संज्ञा का कोई प्रयोजन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, विसर्ग से परमे कोई ऐसी चीज आ जाए वहां श्रवण संज्ञा के लिए हम दीर्घ आदि कोई कार्य करें ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, प्रयोजना भाव ततश्च अकार से अकार सावण्यम परिशेषत है, इसलिए अकार का अकार के साथ संज्ञा का शंका परिशेष रह गया, इसी प्रकार से इकार से अकार और इति तालस्थान विवृत प्रत्र साम्याज उभयो सावण्यम प्राप्त इकार से चवर्ण के वगैरह इकार ने च न सवर्ण प्रसिद्ध ईचु यशा नाम है ना ईचु य चू और य इन दोनों का निश्चय एक साथ कर दे रहे हैं न सवर्ण प्रसिद्ध क्यों इकार से विवृतत्वात् चवर्ग से स्पृष्टत्वात् यकार से ईश स्पृष्टत्वात् च प्रयत्न भेद हो गया और तो इकार से शकार सावर्ण्यम परिशिष्यते इति भाव इसे ऋकार शकार और इति मूर्धस्थान विकृत यत्र साम्यात् विवृत प्रयत्र साम्यात् उभयोः सावर्ण्यम प्राप्तम मूर्धस्थान और विवृत यत्र रूपी सादृश्यता को लेकर के दोनों सावर्ण संज्ञा प्राप्त है, इधर ऋकार का तवर्गेण रेफेण च न सावर्ण्य प्रसिद्धि पूर्वत्य ऋकार का प्रयत्न क्या है ऋकार से विवृतत्व तवर्ग से स्पृष्टत्व रेफस्य ईश स्पृष्टत्व प्रयत्न भिन्न हो गया अतः ऋकार शकारी और सावर्ण्य परिशेषते इति भाव ये मेल ऋकार सकारी और इति दंतस्थान विवृत प्रयत्न साम्याद उभय हो सावर्ण्य प्राप्त दंतस्थान विवृत प्रयत्न इन दोनों की सदस्यता होने से दोनों में सावर्ण संज्ञा प्राप्त है ऋकार से तवर्ग न लकारण न सावर्ण प्रसिद्धि तवर्ग और ऋकार के साथ सावर्ण संज्ञा नहीं होगी क्यों लकार से विवृतत्वात् तवर्ग से स्पृष्टत्वात् लकार से ईश स्पृष्टत्वात् च प्रयत्न भेद हो गया स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी अतः लकार से सकारेण सावर्ण्यम परिशिष्ट है एवं प्राप्त प्रतिषेधति ऐसे जो पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ उसको निषेध करने का सूत्र आरंभ हुआ क्या ना झलो आसहिताचिति आच शाक पार्थवादित्वात् सहित शब्द से लोप स्पष्ट कर दिया शाक पार्थ गण में लेकर के सही शब्द को लोप कर देना साच हल चेती आज जलो ऐसे जो आच है आच च हल च इति आज जलो वही बना तुल्या सूत्रात तुल्या से प्रति सवर्ण सूत्र से सवर्ण मित्ति अनुवर्तते सवर्ण शब्द का अनुवृत्ति कर लो तच्च पुल्लिंग द्विवचनांतया विपणन वहां सवर्ण एक वचन था उसको यहाँ द्विवचन है ना नाच झलो आज झलो द्विवचन है सवर्ण ऐसे द्विवचन बना लेंगे उसको पुल्लिंग में बनाना पड़ेगा मान पुरुषलिंग है सवर्णम उसको यहाँ पुलिंग बनाओ और द्विवचन बना लेना वही कहते तच्च पुल्लिंग और द्विवचनांतया विपरिणम देते हैं तदा इन सब बातों को मन में रखकर के वृत्ति कारण लिख दिया आकार सहित इत्यादि ननु किमर्थम प्रतिषेध
अरे इसको तो ऐसा प्रसाद ग्रहण का क्या फायदा है, इत्यतः तेन इत्यादि यणादिकम नित्यंतम, यणादिकारी नहीं होंगे तेना मैंने प्रतिषेधे न। इस सूत्र के द्वारा स्वर्ण संज्ञा इन शब्दों के बीच में निषेध करने का फल है कि आदि ना स्वर्ण दीर्घ संग्रह कहीं यण प्राप्त है कहीं स्वर्ण दीर्घ प्राप्त है। जैसे दधि दीकार से हकारे शकारे सकारे च परे, दधि की इकार है इसे पर में जब हकार होगा शकार होगा या सकार होगा तब क्या होगा, इको एणचित अनादेश शीतलम यहाँ पर कह रहे थे क्या होगा, इत्यत्र शकारे परे श्रवण दीर्घश्च न भवति, श्रवण दीर्घ जो प्राप्त वह भी नहीं होगा, यणादेश भी नहीं हुआ श्रवण दीर्घ भी नहीं हुआ। समान है ना वर्ण, शीतल का शकार क्या है उसमें अच्त तो है ही है और स्थान भी समान है ई, इसलिए ई और श मिल करके दीर्घी आदेश हो जाता और बाकी में ई और ह स्थान भेद है, स्थान भेद होने से अकाश होने दीर्घ नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा वहां पर, इको एंडचे लग गया। इसी प्रकार से दधि के इकार और मूर्धन्य षकार में स्थान भेद है, दधि के इकार और दंत सकार के स्थान भेद होने से उन तीनों जगहों में क्या प्राप्त होता है, केवल यण, शीतल के शकार के प्रत्यय हुए दीर्घ प्राप्त होता है वो नहीं हुए। अस्तु अकार हकार यो इकार शकार यो ऋकार शकार यो ऋकार सकार यो सवर्ण्यम तथापि दधि षष्ठम इत्यादो यणादिकम न प्रसक्तम। पूर्व पक्ष कहता है भले इनकी स्वर्ण संज्ञा रहे, क्यों निषेध करने सूत्र आपने आरंभ किया, इनके ये सब का स्वर्ण संज्ञा हो भी जाए तो भी कोई समस्या अनादि प्राप्त नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है इत्यादि अनादिकम न प्रसक्तम, क्यों अच परकत्वाद इत्यतः, क्यों अच पर को नहीं है ऐसे यदि कोई कहे ऐसा मत कहो क्योंकि उसमें अच तो भले ही ना स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा क्योंकि अभी तक ग्रहणक शास्त्र आया नहीं ना, अच तो कौन ग्रहण कराएगा, अक दीर्घ में या किसी भी चीज में अच तो कौन ग्रहण कर दे, हल तो कौन ग्रहण कराएगा, वो ग्रहणक शास्त्र कराता है वो अभी प्रवृत्त नहीं हुआ है। विधि निषेध से जब तक स्वर्ण संज्ञा का वर्णों का निर्णय ना हो तब तक ग्रहण करा नहीं सकता। अभी तो हम लोग जानते थे समझा रहे बोल देते थे, लेकिन शास्त्र लग करके काम करना है तो 18 भी नहीं है, एक एक ही है, आई उन मैंने अच मैंने आ ही है और कुछ नहीं है, आ ये ही नहीं वो आ कहां से लाया आपने, मैंने आ अच मैने आ ई वो रियल री एक एक ही बोल होगा, नाच जलो लग गया तब भी उतना ही, तो इतना ही फर्क हो गया और हक स्वर्ण संज्ञा नहीं है इतना नहीं हुआ, ये चार छूट गए बाकी रह गए। अब उन पर लगेगा अनुसरण से वो कहेगा, अब वो जो अच किया में आयु है वो क्या करेगा अपना टाल बोल करेगा, हर वर्ण कहिया वालों को भी दो दो बोल कराएगा, जितने भी है जहां जहां जिनकी स्वर्ण संज्ञा जितने वो ग्रहण कराएगा वो काम करेगा। इसे अन्यथा इत्यादि ना, अन्यथा मैंने तेषां सावर्ण्य अभिगमे, इनकी स्वर्ण संज्ञा स्वीकार कर रहे अर्थात नाच जल सूत्र को स्वीकार ना करे तो क्या होता, तो दीर्घादि नाम इव हकारादि नाम अपि अच्त सात, दीर्घादि के समान हकारादियों में भी अच्त ग्रहण शास्त्र पकड़ा लेता। ग्रहणक यही कहता है ना जो भी अ के स्वर्ण संज्ञा जिन जिन से साथ हो जाए वो सब में अच्त, तो अ के साथ हकार की भी स्वर्ण संज्ञा मानोगे तो ह में भी अच्त आ जाएगा, तो अच पर मिल गया ना ज्ञान हो जाएगा। इसे नाजलो सूत्र को मानना बहुत जरूरी, उसके बिना सब बिगड़ेगा। इव जैसे दीर्घादियों को अकार के द्वारा ग्रहण कराता है वह सूत्र, उसी प्रकार हरकार आदियों को भी ग्रहण कराने लगेगा और उनमें भी अच्त को सिद्ध कर देगा। इत्यन्वय ननु वर्ण समावना ये हकारादि नाम अकार अकार चकार मध्यगत्व अभाव, भाई वर्ण समावना में जो हकार आदि है आपने जो बोला भी हकार आपने बोला मूर्धन्य षकार लिया सकार लिया जो लग लकार लिया आपने, ये जो वर्णों को वो अ और च के बीच में था ही नहीं अच में, अच जो कहा जा रहा है अ से लेकर च के बीच में है नहीं, फिर अच्छे ऊ कैसे ग्रहण आ जाए ग्रहण हो जाएंगे, कौन ग्रहण कराएगा, अकार चकार मध्यगत्व भाव कथम अच तो उन हकार आदियों में अच तो कैसे आ जाएगा, तब कदर ग्रहण छात्र
यदि नाज्जल सूत्र न हो तो ग्रहणक शास्त्र अ के साथ ह के सवर्ण संज्ञा होने से जैसे अ में अचत्व है ऐसे ह में भी अचत्व दे देगा, वो ग्रहण कराएगा ग्रहणक शास्त्र। प्रयत्न निशान दोनों सादृश्यता है ना, सवर्ण संज्ञा है ही, निषेध नहीं किया ना आपने। आप यदि सूत्र को नहीं मानोगे तभी बात हो रहा, अन्यथा यदि सूत्र बीच में न होता तो ग्रहणक शास्त्र क्या करता, भले ही अकार और चकार बीच में अकार नहीं है फिर भी ग्रहणक शास्त्र ही कहेगा अरे इन दोनों का स्थान प्रयत्न बराबर है, इन दोनों के सवर्ण संज्ञा होने के नाते जो अकार का धर्म है वो हकार में है, और मित्र सवर्ण संज्ञा ना हकार का धर्म अकार में भी आएगा, हकार का धर्म हकार में आएगा, अकार का धर्म हकार में अच्छा इसमें आएगा उसमें हल तुझ घुस जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। तीसरे इनका कहना है कि भाई देखो ये ग्रहणक शास्त्र के बल से हम बात कर रहे हैं आपसे, ग्रहणक शास्त्र बला देती है, ग्रहणक शास्त्र क्या है आगे सूत्र आरंभ होगा, यहां तक भले नीचे टीका देख लो, ना जलो आकार सहित दी काल समय वेला सो तुमुन इत्ये निर्देश आकार प्रश्न शिलिंगम सिया, तो काल समय वेलासु वेलासु काल समय वेलासु में देखिए यहां क्या है तुमुन सूत्र है, वो सूत्र छोड़ो हमें यहां देखना है आ का प्रश्न क्यों किया, आ का इन हकार आदि के साथ संयोग सरण संज्ञा नहीं होगी, नहीं करना चाह रहे ना, उसलिए हमने देखा कि का कि आ को इसमें प्रश्लेषण कर दो, उसमें ये सूत्र ज्ञापक है जैसे पहले नहीं अनुनासिक अनुनासिक ई क भी यदि अच्छ होता मैंने बीच का वो क्या होता यण करना चाहता और एक अर्थ लोप होती अनुनास का रूप बनना चाहिए, इन पाण्ड ने क्या प्रयोग किया वो ज्ञापन करता है इता न ग्रहणम ना, उसे ये सूत्र ज्ञापन कर रहा है, ये सूत्र काल से वेला तुम क्या कर रहा है यहां जो रूप प्रयोग हुआ है शब्द प्रयोग हुआ है ये प्रयोग से ज्ञापन हो रहा है आ को भी हकार आदि से सवर्ण संज्ञा का निषेध करो, नहीं तो क्या होगा यहां पर काल आ से परमे ल है या नहीं, आ से परमे ल है ल को अच्छ मानोगे ना ल में अच्छ धर्म आ जाएगा, यदि स्वर्ण संज्ञा स्वीकार करेंगे और ह की स्वर्ण संज्ञा होगी हकार में आ जाएगा अचत्व, ली और ल की स्वर्ण संज्ञा होगी ल में आ जाएगा अचत्व, तो काल में आ से पर में ल अच्छा गया कि नहीं अच्छा गया, फिर स्वर्ण दीर्घ कर दो दोनों जब एक दीर्घ आकार आदेश कर दो ल गायब हो जाएगा, फिर ये पाणिनि ने जो काल शब्द ही नहीं प्रयोग कर सकते थे यहाँ पर, पाणिनि ने जो काल शब्द प्रयोग कर दिया ये ज्ञापन करता है आकार का लकार के मैंने लकार में अचत्व धर्म नहीं आ रहा, इसलिए आग से इस तरह से ये आग प्रश्लेष के प्रति कारण ये बता रहे इत्य निर्देश आकार प्रश्लेषे लिंगम भवती यणाधिगमिति शीतल शब्दे सवर्ण दीर्घे आदर रहता शीतल शब्द के प्रत्यय दधि के कार को शकार के साथ सवर्ण दीर्घ प्राप्ति है, इस बात को बताने के लिए यणाधिकम से आदि शब्द से सवर्ण दीर्घ को लेना है, यह असे धत् इत्यादो होढ़ धत्तम न इत्यपि सुवचम, ये भी आप दृष्टान दे सकते हो असे धत् में होढ़ से धकार नहीं हुआ ना, कैसे दृष्टान दे रहे देखिए हम जैसे बोला था ना जैसे अकाशत्व ह में आ गया जैसे हकाशत्व हल्त्व कहाँ आएगा अ में, अ भी ह हो जाएगा अ को भी ह समझेंगे हम उसे हल्त्व आ जाएगी तो क्या होगा असे धत् में अ परमेश्वर है स क्या है झल ये अ क्या है हो होड़े लग जाएगा अ को हो अ को ढ हो जाएगा नहीं सुन रहे अ को ढ होना चाहिए हुआ नहीं, इसे ज्ञापन होता है इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, होड़े इति धत्तम न इत्यपि सुवचम इन इति सस्य शक्तों पिना, और दूसरी बात इना सूत्र से दंत सकार का शत्व नहीं हुआ कि इनमें आ गया ना हकार वही तो बता रहा था मैं, यदि अ के स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा हक के साथ तो क्या होगा अकार इनमें आ जाएगा, भले अ इनमें नहीं अपने आप में अका है पीछे है अन इसे बाहर है इसे क्या रा जाप जनाते हो ना अ के पर में जब सु आता है सकार को मूर्धनी नहीं करते क्यों अकार को आप इनमें नहीं मानते, एना आपको मानना पड़ेगा यदि अकार के हकार के साथ संज्ञा हो जाए तो अकार में हत्व आ गया तो वो भी इनमें आ गया तो अकार से परमेदन सकार है अ से धत्
इन्होंने से परमेश्वर से सकारा मिल गया, स्वर्ग मूर्धन करो, अशेधक बनना चाहिए थे, ये भी आपत्ति दोनों तरफ से घटाया। इना इति सस शब्दों पिन्ना इति तो सुवचम, उसी दृष्टांत में अशेधत में धत्तम प्रति तस्य सिद्धता से दिख, क्योंकि कहेंगे बड़े ढ होने के बाद कहां से वह नहीं रह गया ना, इन नहीं रहेगा, जब हम ढ कर देंगे होड़ से यदि आकार हो गया ढकार, जब अ हो गया ढ इन कहा रह गया, ध तो आ गया ना, जबगड़दस नहीं, जबगड़दस निवास है, जब ही घड़दस वो आगे हो गया, लण के बाद में है वो, तो ढ तो इनमें नहीं है, तो आपने अ को ढ कर दिया, अब कहां प्राप्त है सत्व। जैसे कहे ना ना कहते हैं होड़ सूत्र ऋण सूत्र के दृष्टिकोण से असिद्ध है, त्रिपाद्यम पुरम प्रति परम शास्त्र असिद्ध, जब होड़ असिद्ध का मतलब क्या ढ असिद्ध है, ढ नहीं दिखेगा वह क्या दिखेगा, अ दिखेगा, वो आ गया इन में, इस अ के ऊपर सकार को मूर्धन्य सकार में जाना चाहिए। इति दिक, एक संकेत हमने आपको दे दिया है, इस विषय और भी गहन चिंतन कर सकते हैं, बहुत विचार है, उत्तरवर्ती ग्रंथों में भाषा में तो है ही। वैसे ग्रहण क्षात्र बलादिति हो, अभी पंक्ति रह गया, ग्रहण क्षात्र बलादिति अयम भाव, इसका तात्पर्य है दीर्घादि नाम इव हकारादि नाम अपि हकारवाच्यत्वे अभिगमे यच्तम स्यात्, दीर्घादियों के समान यदि हकारादियों को भी ग्रहण क्षात्र पकड़ लेगा तो उसमें भी अकारवाच्यत्व स्वीकार करोगे तो, जैसे क्या हो गया अ का अंदर के अस्तु था, इसलिए अ के द्वारा वाच्य जैसे आ है, उस आ में भी आपने अच्छ मान लिया, इसी तरह से अ की तरह वाच्य यदि ह भी हो जाएगा तो ह में भी अच्छ आ जाएगा। अब कहते हैं अच्छुम सियात, क्योंकि नियम है हमारे यहाँ प्रत्यारेशो तद वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षण अभिगमात, प्रत्यारों का नियम है ये, तद वाच्य वाच्य में निरूढ़ लक्षण है इसकी, तद वाच्य वाच्य क्या है, तत्सब हमेशा प्रत्यार लेना, तत्सब से प्रत्यार लो तो क्या हो जाएगा, जैसे दृष्टांत में अच्छ तत्सब से ले लिया आपने अच्छ, किसको द्वारा वाच्य क्या है आदरंते ने सहता, प्रत्यार हो गया तत्सब से, उसका वाच्य हो गया कि अच्छ आदि के रस्व आकार आदि, अच्छ का वाच्य क्या है आदि रस्व लेना, और इसके भी जो वाच्य क्या हो जाएगा जब ग्रहण छात्र को उत्पन्न आएगा तो आ जाएगा, हो आ जाएगा, है ना, इधर भी दीर्घी आ जाएगा, श आ जाएगा, तद वाच्य वाच्य, अथवा कुछ तत्सब से लेना आदरंतर संहिता, आदर संहिता के द्वारा वाच्य क्या हो जाएगा अच्छ, आदर सूत्र क्या बनाता है अच्छ बनाता है, उसके द्वारा वाच्य क्या है अनुसरणता प्रति सूत्र, दूसरे से वो क्या करेगा दीर्घों को ग्रहण करेगा, वो जैसे दीर्घों को ग्रहण कराता है वैसे हकार को भी ग्रहण, क्यों भी वाच्य हो गया, निषेध कोई नहीं किया उनको तो भी वाच्य कोटि में आ जाएगा। इसी में निरूढ़ा लक्षण है हर प्रत्याहार का, अब चाहो ना चाहो या ऐसा बोध होके रहेगा, इसको निरूढ़ा लक्षण कहते हैं, निरूढ़ है नितराम रूढ़ है, आप चाहे ना चाहे वही बोध होना ही है, दूसरा बोध हो ही नहीं सकता, दूसरा ज्ञान कर ही नहीं सकता, दूसरा कल्पना नहीं हो सकती, विचार नहीं हो सकता, कहने से अठारह आएगा और साथ में हकार भी आ जाएगा यदि निषेध सूत्र ना हो तो, मैंने 19 का बोधक हो जाएगा वो हकार। अभ्युपमादिति अब आता है ग्रहण शास्त्र, तथा ही अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय, अनुदित स्वर्ण चा प्रतिश में अनेक मत मतांतर है, कुछ अनुदित को एक ही पद माना है, स्वर्ण से एक पद, च एक पद, अप्रत्यय पद, चार पद है, कुछ लोग अन्न अलग पद है, उदित अलग पद है, तो पांच पद हो जाएगा, अनुदित एक पद मानो प्रथम एक वचन तब भी, नहीं तो अण प्रथम एक वचन, उदित प्रथम एक वचन, स्वर्ण से षष्ठी एक वचन, च अव्यय अप्रत्यय प्रथमा के एक वचन, पांच पद मान लिया। प्रत्यय किसको कहेंगे यहां पर, वो संज्ञा नहीं लेना प्रत्यय संज्ञा, एक प्रत्यय संज्ञा कौन करता है, प्रत्यय संज्ञा सूत्र कौन है, प्रत्यय संज्ञा प्रत्यय सूत्र, हाँ एक सूत्र प्रत्यय,
ज्ञाप्रातिदा प्रत्यय सूत्र पढ़ाएंगे नहीं, परात ज्ञाप्रातिदा परात प्रत्यय वो, और क्या कौन वो अधिकार भी है संज्ञा भी है, संज्ञा का ही अधिकार है वो, क्या करता है संज्ञा का अधिकार कर रहा है, इसलिए संज्ञा सूत्र हो गया। मैंने वो क्या कहता है ज्ञाप्रातिपदिका से परे जो सु ओजस आ रहा है इसका नाम प्रत्यय है, संज्ञा अधिकार बोलते हैं उसको, उस नाम का अधिकार चल रहा है, और कोई प्रत्यय संज्ञा करने का सूत्र नहीं है, प्रत्यय ही जो संज्ञा अधिकार है वही प्रत्यय संज्ञा करता है, वो नहीं लेना यहां पर रूढ़ संज्ञा। क्या है यहां प्रत्यय शब्द का अर्थ, कहते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिस चीज का विधान कर दिया, जैसे कोई यण कर दिया, यण का बिना प्रत्यय, जो विधान किया है उसका नाम प्रत्यय, और अप्रत्यय मैंने जो विहित नहीं है अप्रत्यय। इसलिए लोग अलग पद मानते हैं, क्योंकि जो अविद्यमान शब्द है अप्रत्यय शब्द केवल अण का विशेषण है, उदित में नहीं जोड़ना, उदित क्या है विद्यमान हो चाहे अविद्यमान हो सब में वो ग्रहण शास्त्र लागू हो जाएगा, चाहे चौकू देख लो नहीं तो क्या हो जाएगा चौकू, अविद्यमान कौन है चू, वो ही अपने स्वर्ण ग्रहण कराएगा, इन विद्यमान कौन है कु, वो अपने स्वर्ण ग्रहण कराएगा, ये दिक्कत हो जाएगा। इसे लोग जो मान रहे अलग अलग पद माना उचित है, अण एक अलग पद मान, नहीं तो कि एक पद का नियम के समास में नियम क्या है विशेषण के साथ जोड़ नहीं सकते, समास के नियम क्या बनाया आपने सविशेषणानाम वृत्तिर न वृत्त सिच विशेषण योग हो ना, ये विशेषण वाला है तो उसको दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकते, समास नहीं कर सकते आप, अरे समास कर दिया फिर बाहर किसी विशेषण उसको एक उसमें से एक पद को बाहर विशेषण जोड़ नहीं सकते, जितने भी होंगे सबके साथ तो विशेषण लागू हो जाएगा। इसीलिए यदि हम अनुदित एक समास कर देंगे पद तो एक घट जाएगा, इन समस्या क्या होगी अण का भी विशेषण अप्रत्यय जैसा है उदित का भी विशेषण अप्रत्यय हो जाएगा। इसीलिए अनुदित गौ समास नहीं करना, अण अलग पद रखो उसका अप्रत्यय विशेषण हो जाएगा अप्रत्ययो अण उदित च, ऐसे अर्थ हो जाएगा सवर्णस्य संज्ञास्य सवर्ण से बोध का स्यु, वैसा अर्थ निकाल देंगे। इसे प्रत्यय विदित प्रत्यय अविद्यमान वाण अविद्यमान कौन और उदित च सवर्ण से संज्ञा से सवर्ण का बोधक होते हैं। इस सूत्र में जो आण है ना अत्री वर्ण परिणकारेण अत्रण परिणकारेण, यहां जो एण है वो परिणकार से लेनी चाहिए। ये जो पहले परिभाषा के बारे में व्याख्यान होती विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्यात अलग था वो यहां अलग हो गया। ये कैसे पता चला आपको भाषाकार ने जो बताया है जिलम बता, नहीं तो हमें क्या मालूम, हम तो हमेशा पूर्वाण लेते हैं लघु में श्लोक भी दिया ना नीचे परे नहीं वा एकमेव परिणतु इत्येतद् एकम परिणतु, श्लोक बना के बता दिया। ये व्याख्यान की विशेष प्रतिपत्ति हुई है या नहीं तो संशय हो जाए पूर्वाण से लेना है परण से लेना कहां से लेनी क्या करना है वो संशय को दूर कर दिया असंध्याद अलक्षणम ना, ये कि नहीं असंध्याद अलक्षण नहीं संध्याद अलक्षण अत्रण परिणकारेण कूचुर्दुति इत्यादि।